बड़े सब लोग साथ में बसे। आपको विदित होगा कि 23 साल में 2001 से लगाकर 2023 तक हमने आंदोलन ही किए और अन्याय अत्याचार भीमसेना का प्रदेश महासचिव, भीम आर्मी का प्रदेश महासचिव रहा मैं। लेकिन जब मुलजिम गिरफ्तार हो जाते हैं, आज जो भी घटना हुई हमें दुख है, उस बहन के साथ में, उस परिवार के साथ में हम सब लोग हैं। लेकिन जो लोग जातिवाद की बात करते हैं और जातिवाद के आधार पर हमें बांटना चाहते हैं, उस लोगों को कहना चाहते हैं कि जब मुलजिम गिरफ्तार ही हो गए तो आंदोलन किस बात का या राजनीति? राजनीति सिर्फ राजनीति कि मुकेश बागर समानता की बात करने वाला, सब समाज को साथ लेकर चलने वाला, हमें एक मुद्दा मिल गया है। हमने आंदोलन किए हमेशा हमेशा दलितों, पिछड़ों, वंचितों, किसानों की आवाज, किसान आंदोलन के हम साथ में थे। जब भी दलित के साथ में अन्याय अत्याचार होता है हम साथ में होते हैं, पिछड़े के साथ में अन्याय अत्याचार होते हैं हम साथ में होते हैं, अल्पसंख्यक की बात होती है हम साथ में होते हैं। लेकिन ये चुनावी मुद्दा देखकर इन लोगों ने ये चुनावी मुद्दा बनाया, इस बात का जवाब तो आप सबको देना। मैं कहना चाहता हूं मेरे SC ST भाइयों को, 2 अप्रैल 2018 को जब SC ST हमारा खतरे में पड़ा था, हम लोग रोड़ों में चले थे और इस BJP के विरुद्ध में, इस भाजपा सरकार मोदी के खिलाफ में। लेकिन मोदी वाले, BJP वाले हमारे पास पास नहीं आए, हमारे लोगों को मारा, हमें दौड़ा दौड़ा के पीटा, हमारे लोगों पर मुकद में लगाए। लेकिन लास्ट में मोदी को, BJP वालों को पीछे होना पड़ा क्योंकि हमारी ताकत थी। और दूसरी बात बता दूं मेरे SC ST के भाइयों, सुन लो, 2 अप्रैल 2018 को जब हमारे SC ST के भाइयों पे जो मुकदमे लगे थे, एक शेर की धार की तरह विधानसभा में भाई मुकेश भाकर ने कहा था कि हमारे निर्दोष SC ST भाइयों पर जो मुकदमे लगे हैं वो राजस्थान सरकार वापिस ले वापिस। इसलिए कान खोल लो, दिमाग की बत्ती खोल लो। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ से चलते हैं तो एक ये ऊपर वाला है और एक ये ऊपर वाला है। इस ऊपर वाले को काम में लो, इस ऊपर वाले को अगर काम में लोगे तो इस जो BJP वाले, जो ये जो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको जवाब 25 तारीख को आप जरूर देंगे, इस ऊपर वाले को काम में। दूसरी बात, आप करणी सिंह को पूछ लो, जब हमारा SC ST खतरे में पड़ जाएगा, उनका बयान ले लो और आगे भी खतरे में पड़ जाएगा, आप बयान में दे दो कि BJP एक तरफ होगी और हम आपके साथ में, कतई नहीं बोलेगा करणी सिंह हम आपके साथ में होंगे। CONRC बिल, NPR बिल, मुस्लिमों के विरोध, हमारे मुस्लिमों के विरोध, मुस्लिम भाइयों के विरोध कि 50 साल पहले का प्रमाण पत्र मांगो इनसे, नहीं तो देश से निकालेंगे। क्या BJP वाले राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं? इनके पास राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र है? इसलिए करणी सिंह से सवाल पूछो, मुस्लिम भाइयों जो करणी सिंह के साथ में, क्या हमारा ये जो बिल BJP ला रही है, आप ये कह दो मीडिया के सामने आकर कि BJP ये बिल लाएगी, मैं मुस्लिम भाइयों के साथ में, कतई नहीं कहेगा, कहीं सड़क में नहीं कहेगा। इसलिए आप किसानों के बिल की बात कर लो, किसानों पर इस मोदी सरकार ने जो बिल लाए, 3 काले कानून लाए, उसमें भी करणी सिंह से ये सवाल कर लो कि आप किसानों के साथ में हो जाओगे, कतई नहीं कहेगा मैं आपके साथ में हो जाऊंगा। इसलिए मैंने ये तीनों बातें बता दी। ये लोग हमारी बहन का वीडियो वायरल करके किस तरीके से, ऐसे संगीन मामलों में वीडियो वायरल नहीं होता, उस परिवार को बदनाम करने का BJP वालों ने काम किया। इनकी कतनी और करनी में अंतर है, ये धर्म और जाति के आधार पर हम सबको बांटने वाले लोग हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहता हूं,
जो धर्म और जाति के आधार पर हमें बांटने वाले लोग हैं उनको जवाब तो आपको ही देना होगा। इसलिए एक बार हाथ खड़े करके कह दो, आने वाली 25 तारीख को मुकेश भागल को ज्यादा से ज्यादा वोट और मत देकर हम विजय बनाएंगे। जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद। समय के अभाव के कारण